शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुण ग्राम नदी कूलात स्वयं प्रादुर्बभूव पद्मनाभ मनः कामं पुरैता तनुरूपधृत पातु नो संख्यान जीवान केवलं कृपया तया। अक्षय तृतीया अक्षय लीला नव रंग गिरिधर पहरत चंदन वाम भाग वृषभान नंदिनी विच विच चित्र किए नव वंदन। भगवदीय श्री कृष्णदास जी के कीर्तन की इन भावात्मक पंक्तियों के द्वारा प्रभु से अक्षय प्रेम करने वाले आप सभी पुष्टि भक्त वैष्णवों को अक्षय तृतीया की अक्षय बधाई। अक्षय तृतीया चंदन यात्रा एवं भगवत अवतार श्री परशुराम जयंती की बधाई। अक्षय तृतीया का वैदिक सनातन धर्म में अति महत्व है। इस दिन शास्त्र अनुसार तीर्थ स्नान एवं दान की खूब महिमा है। वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगा तोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्व किल्बिषैः ग्रैष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्यते। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर शास्त्र गंगा स्नान एवं दान की महिमा को कहता है और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से किसी भी शुभ कार्य के लिए अक्षय तृतीया उत्तम समय कहा जाता है। यह अक्षय तृतीया युगादि तिथि है। इसी तिथि से कृत युग अर्थात सतयुग का प्रारंभ हुआ है। वैशाखे शुक्ल पक्षस्य तृतीयायाम कृते युगम। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवद अवतार श्री परशुराम जी का प्रागट्य हुआ है। वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसौ निशायः प्रथमेयामे रामाख्यः समये हरि। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में पुनर्वसु नक्षत्र में और रात्रि के प्रथम याम के समय मां रेणुका के गर्भ से स्वयं हरि ने अवतार लिया। यह सब क्रम तो हमने अक्षय तृतीया के शास्त्र विहित प्रकार से देखे, किंतु पुष्टि मार्ग में अक्षय तृतीया का विशेष भाव है। पुष्टि मार्ग वैष्णव के लिए अन्य क्रम तो गौण है, प्रभु सेवा ही मुख्य है। प्रभु को इस दिन विशेष रूप से चंदन धराया जाता है, जो सबके ताप को दूर करते हैं उन प्रभु के ताप को आज भक्त दूर करते हैं। यही तो पुष्टि सेवा की विशेषता है। श्री वल्लभाचार्य चरण सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि उत्कर्ष चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर्यदा भक्त्या च तादृशत्वं सा सेवा सेवकोचिता। यह वेणुगीत की कारिका है। श्री हरि सबके दुख को दूर करते हैं, इसलिए हरि है। किंतु भक्त पुष्टि मार्ग में हरि का हरि है, क्योंकि वो हरि के दुख को दूर करता है। निर्भय राम भट्ट जी कृत कारिकार्थ में भी आज्ञा है कि सेवको वस्त्रादि उपचारै सेवया हरेरपि शीत उष्ण आदि निवारणेन दुख हर्ता भवेत। सेवा में तत्सुख का ध्यान रखना, प्रभु सुख को ही देखना सेवा है। उष्ण काल में प्रभु को शीतलता देने के लिए, प्रभु की ताप शांति के लिए चंदन धराया जाता है। चंदन सेवा से प्रभु का ताप शांत होता है। प्रभु के सुख को देखकर पुष्टि जीव आनंद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार वेणु गीत में वर्णन है 16वें श्लोक में कि बादल अपने आप को सूर्य के आगे करके प्रभु के ताप को दूर करता है, सख्य भक्ति का यह प्रकार है। तो आइए हम भी अपने प्रभु का ताप दूर करें और प्रभु को श्री गोपीजन के भाव से चंदन धरें।
श्री गोपीनाथ जी भी आज्ञा करते हैं, कुछ कुमकुम अंगाढ़्यम अंगरागम अतिप्रियम श्री कृष्ण ताप शांत्यर्थम अंगीकुरुम मद अर्पितम। पुष्टि संप्रदाय में सेवा क्रम में चार यात्रा प्रमुख है, रथ यात्रा, स्नान यात्रा, जल यात्रा, चंदन यात्रा। अतः चंदन यात्रा अक्षय प्रेम यात्रा का दिन है। सेवा में भाव से अक्षय तृतीया मनाते हुए इस दिन हम विशेष दान करें, क्योंकि अपना देश कोरोना विषाणु के कारण दूसरे लॉकडाउन से गुजर रहा है। किसी को भी किसी प्रकार की जरूरत हो तो आज हम हृदय खोल कर दान करें, फल की कामना से नहीं, बस अपने देश की सेवा हेतु। सेवा में हम प्रभु को चंदन धराकर अपने प्रेम को अक्षय करें और अक्षय तृतीया के निमित्त दान द्वारा देश की भी सेवा करें। आप सबको पुनः अक्षय तृतीया की अनेकानेक बधाई। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः किमधिकम्।